हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल गुजर्स लाइफस्टाइल। मैं हूँ कोमल। आज इस वीडियो में मैं ओडिया स्टाइल मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है आलू, दूधी, फ्लावर, टमाटर और प्याज। इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। और मसालों के लिए मैंने लिया है आधा टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून मैंने लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 2 लाल मिर्च, दालचीनी, लवंग और इलायची। अभी ये जो सारे मसाले हैं, हमें इसे स्लो गैस पर भूनना है। हल्का सा भून लीजिए आप इस मसालों को। फ्रेंड्स, अभी देखिए मसाले भून चुके हैं और मैंने इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अभी अगला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, अभी अगला प्रोसेस ये है, कढ़ाई में मैंने करीबन 2 टीस्पून घी ले लिया है। और जो ये कटी सब्जियां हैं वो मैं अभी इस घी में, जो ये अभी गर्म हो चुका है कढ़ाई में, उसे मैं ये सब्जियों को डाल दूंगी। अभी एक बार सारी सब्जियां आप कढ़ाई में डाल देंगे, उसके बाद में आपको ये सब्जियों को अच्छी तरह से मिला देना है। जो ये घी जो गर्म हो चुका था उसे आपको इस सब्जी में अच्छी तरह से मिला देना है। अभी ये सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो गई है घी में, घी के जो तड़के में। और अब मैंने इसमें डाला है आधा टीस्पून करीबन मैंने लिया है, डाला है हल्दी। और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। और अभी ये जो हल्दी और नमक हमने सब्जी में डाला है, इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। और ये जो हल्दी और नमक मिल जाने के बाद में आप इस कढ़ाई को एक लीड से ढक दीजिए और सब्जी को करीबन 7 से 8 मिनट पकने दीजिए। और अब क्या करना है, जो ये मसाले हमने भून रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं, अभी हमें इसे ग्राइंड करना है। अभी देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है मसालों को। और अभी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जी है वो पक चुकी है। देखिए, सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी जो हमने ये मसाले को जो ग्राइंड किया था वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पकी हुई सब्जी में। और अभी आप इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। यही मेन है मसाला इस सब्जी में। और इसी मसाले से सब्जी का जो अरोमा है बहुत ही अच्छा आता है। और करीबन अभी आपने आधा टीस्पून इसमें शुगर ऐड करना है, शक्कर, थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस करने के लिए, वो भी मिला दीजिए अच्छी तरह से। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। और इसे करीबन 1 से 2 मिनट स्लो गैस पे पकने दीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस बंद कर दिया है और ये सब्जी अभी खाने के लिए तैयार है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और फ्रेंड्स, आप इसका कॉम्बिनेशन रोटी के साथ कर सकते हैं, आप इसे जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे होम, स्टे सेफ़।